आयुष्मान कार्ड एक ऐसा कार्ड जिसके जरिए कार्ड धारक अपना हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। इसी क्रम में भारत सरकार ने इस योजना से 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को जोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत अब ये लोग भी मुफ्त इलाज का लाभ ले सकेंगे। पर इन सब के बीच अभी लोगों के मन में इसको लेकर कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसका लाभ हर बुजुर्ग को मिलेगा, क्या इसके अंदर भी कोई कैटेगरी होगी जिनका आयुष्मान कार्ड बनेगा, आदि आदि आदि। तो चलिए आपके मन में चल रहे ऐसे ही सवालों के जवाब आज टटोलने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में, मैं हूँ नीलू वर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे का विस्तार उन बस्तियों तक करने को मंजूरी दे दी है जो आबादी बढ़ने समेत कई कारणों से अब तक अछूती रह गई थी। इसके अलावा 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी लोग स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया कि 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत PMJY योजना को 3,437 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। इसका लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करना है। इस योजना से 4.5 करोड़ परिवारों को और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। जिन परिवारों को पहले से ही इस योजना के तहत कवर किया गया है उनके लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉपअप उपलब्ध होगा, जबकि जो पहले से कवर नहीं थे उन्हें साझा कवरेज में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए मिलेगा। अब आपके सवालों पर आते हैं। अगर आपके सवालों की बात करें तो एक सवाल ये है कि केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम यानी CGHS पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ECHS और आयुष्मान भारत योजना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF जैसी किसी अन्य अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ आप ले रहे हैं तो क्या होगा? तो बता दें कि ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन होगा जिसमें या तो आप अपनी मौजूदा जो आप पहले से ले चुके हैं योजना उसका लाभ ले सकते हैं, या फिर PMJY यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या ESI और निजी यानी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वालों को मिलेगा ये लाभ? तो आपको बता दें कि अगर आपका ESI का सुविधा का लाभ आप उठा रहे हैं तो भी आप आयुष्मान योजना का लाभ ले सकेंगे। वहीं अगर आप कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और आपकी उम्र 70 साल या उससे अधिक है तो भी आप आयुष्मान कार्ड बनवा कर उसका लाभ ले सकते। सवाल ये भी है कि क्या पति और पत्नी दोनों को मिलेगा ये लाभ? तो बता दें कि मान लीजिए कि पति पत्नी है जिनकी उम्र 70 साल या उससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों को अलग अलग 5 लाख रुपए का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन पति पत्नी दोनों को एक ही आयुष्मान कार्ड बनेगा जो 5 लाख रुपए कवर कर दोनों के लिए होगा। एक अहम सवाल ये भी कि जो परिवार इस योजना के दायरे में आता ही नहीं है क्या उसे भी ये लाभ मिलेगा? आपको बता दें कि अगर आपका परिवार आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र नहीं है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में आपके परिवार में 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के कोई बुजुर्ग हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।